फरुखाबाद विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर सीपी इंटरनेशनल स्कूल ने पर्यावरण दिवस का ऑनलाइन मीटिंग के द्वारा आयोजन किया। पीसी विद्यालय समूह के निर्देशिका डॉक्टर मिथिलेश अग्रवाल ने बताया कि जो लोग पेड़ नहीं लगा सकते हैं, वह किसी भी पेड़ को पानी देने या उसकी सुरक्षा से संबंधित प्रयास करके प्रकृति का सहयोग कर सकते हैं। उपनिदेशिका अंजू राजे ने अपने संदेश में प्रकृति के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर विनोद चंद्र शर्मा ने सभी शिक्षकों और बच्चों को अपने संदेश में बताया कि मनुष्य प्रकृति से बहुत अधिक छेड़खानी कर चुका है, इसलिए अब हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि उसे पुनः समृद्ध बनाने का प्रयास करें। हेड मिस्ट्रेस संदीप कुमार ने बताया कि प्रकृति ही हमारा भविष्य है। छात्रों ने संदेश पाते ही अपने घरों में, बगीचों में, खेतों में और गमलों में पौधे लगाने का तत्काल प्रयास किया और पर्यावरण दिवस पर देर शाम तक बच्चे पौधे लगाते हुए, पानी डालते हुए अपनी फोटो भेजते रहे। कुछ छात्रों ने पर्यावरण दिवस पर चित्रकारी के माध्यम से पेड़ पौधों को लगाने व सुरक्षित रखने का संदेश दिया। इससे ज्ञात होता है कि छात्रों में प्रकृति के प्रति काफी उत्साह है। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।